सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज, अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान में छुआछूत में एक छात्र की हत्या के मामले को लेकर बीएसपी ने किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। महोबा के कलेक्ट्रेट में बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रदर्शन करते हुए राजस्थान में अनुसूचित जाति के किशोर के साथ धड़े से पानी पीने के कारण मारपीट कर हत्या किए जाने के मामले में प्रदर्शन किया गया। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वही आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस शासित राज्यों में अपराध और छुआछूत जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अनुसूचित जाति मुस्लिम समाज को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी भेजा है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के जालौर में एक विद्यालय में घड़े से पानी पीने पर अनुसूचित जाति के छात्र इंद्र कुमार मेघवाल को अध्यापक शैल सिंह ने बेरहमी से मारपीट कर हत्या कर दी थी। अनुसूचित जाति के बालक की हत्या के मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी आक्रोशित है। यही वजह है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज जिला अध्यक्ष गंगादी नहिरवार के नेतृत्व में बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही राजस्थान के मामले को लेकर हत्या आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। बीएसपी का आरोप है कि बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्यों में मुस्लिम समाज और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव कर प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं इन राज्यों में अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। हत्या, बलात्कार, लूट, मारपीट, छुआछूत जैसी घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राजस्थान के मामले में हत्या आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा है। पूरा मामला आज जो है बहुजन समाज पार्टी ने जिला अधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए एक ज्ञापन दिया है, जिसमें आए दिन कांग्रेस और भाजपा की जहां जहां केंद्र में सरकार है वहां राज्य में, प्रदेश में, केंद्र में, जहां जहां इनकी कांग्रेस और भाजपा की सरकार है वहां अत्याचार, मारपीट, अछूत, बलात्कार आए दिन इनकी सरकारों में आए दिन हो रहे हैं। खासकर दलित, मुस्लिम, ओबीसी और इसमें खासकर दलितों के ऊपर हर जगह अत्याचार किया जा रहा है। जिस तरह राजस्थान में इंद्र कुमार मेघवाल एक 8 साल का बालक और एक घड़े से पानी पी लेता है और उसको एक श्रवण मनवादी व्यवस्था के लोग उसको मार मार के उसकी मौत हो जाती है, तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ये पूरे देश में ज्ञापन दे रही है कि ऐसी घटनाओं को दलितों के ऊपर होने से ऐसी घटनाओं को रोका जाए। यही बहुजन समाज पार्टी की मांग है और जो है उसको जो है हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई जाए। ये हम महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं। क्या है पूरा मामला? ये जो ज्ञापन दिया गया है वो राजस्थान के घटनाक्रम में दिया गया है। राजस्थान में एक मासूम अवध बच्चे की जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई है और उसका कोई ऐसा खास वजह नहीं थी। एक घड़े से पानी पीना सभी के लिए होता है, कुम्हार भी घड़ा बनाता है, वही घड़ा तो वो भी एक दलित है, लेकिन उसके बनाने से किसी को एतराज नहीं है। लेकिन उस बच्चे ने जैसे ही पानी पिया एक सवर्ण द्वारा उसकी हत्या कर दी। उसी के संबंध में आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति के सम्मान में। नमस्कार।